हेलो गाइस, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो आज मैं आपको मेरा स्टूडियो टूर दूंगा और जो भी मैंने मेरे स्केचेस बनाए हैं और जो भी मेरे पास मटेरियल है उन सभी का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने गणेश जी से। ये मैंने स्केच एक साल पहले बनाया था गणेश चतुर्थी पर। मैंने सोचा था कि मुझे स्केच अच्छा बनाना आ गया तो मैं भी डिटेल वर्क करता हूँ। तो मैंने कुछ फ़ोटो इस तरह की सिलेक्ट करी थी, फिर मैंने डिटेल वर्क स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने पगड़ी में भी कुछ डिटेलिंग करी थी अच्छी, फिर मोतियों में भी डिटेलिंग करी। फिर मैंने सोचा यार काफ़ी अच्छा बना है स्केच। वो गणेश जी बनाने के बाद मैंने बनाया था वेनम, इस पर भी मैंने काफ़ी डिटेलिंग करी थी। मैंने सबसे डार्क पेंसिल यूज़ करी थी इस स्केच को बनाने में, काफ़ी डिटेल वर्क था ये भी। इसके बाद ये स्केच ईगल का, ये भी मैंने 1.5 साल पहले बनाया था। पेंसिल कलर और पेंसिल का यूज़ करके, ये बहुत पतला पेपर यूज़ कर रहा था इसलिए अंदर से मुड़ गया। तो अब आते हैं इस दीवार पे। तो ये मैंने मेरा भाई का बनाया था, उसके बाद मेरे पापा का। फिर इन दोनों से भी पहले मैंने मेरा स्केच बनाया था। तो मैंने सोचा था कुछ अच्छा मेरा फ़ोटो बनाता हूँ। तो तब मेरे को इतना आता नहीं था फेसेस बनाना, तो आइस आँखें और गाल काफ़ी मोटे हो गए। तो कुछ खास स्केच ही मैंने फ्रेम करवा के दीवार पे लगा रखे। तो अभी कुछ 6 स्केच हैं जो फ्रेम करवा के दीवार पे हैं। बाकी और भी मैंने जो डिटेल वर्क करे उनकी भी फ्रेम करवा के मैं लगाऊंगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं इस रिंग लाइट से। ये रिंग लाइट मैंने कुछ 6-7 महीने ही अमेज़ोन से ली थी, तो अभी तक अच्छी खासी चल रही है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये स्टैंड पर आते हैं। तो ये मैंने रिंग लाइट से पहले लिया था वीडियो बनाने के लिए। मुझे ये स्टैंड काफ़ी अच्छा लगा, जिसको अपने टेबल से भी अटैच कर सकते हो और वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती अगर अपने हाथ यूँ रख के भी बनाते हैं। तो फ़ोन को ऊपर अटैच करके अपने वीडियो बना सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्टैंड। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इससे भी पहले मेरे पास ये वाला स्टैंड था ट्राइपॉड वाला। तो इसको मोड़ के अपने कैसे भी एडजस्ट करके वीडियो बना सकते हैं, पर इसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आती वीडियो बनाने में कि मैं फ़ोन यूँ रखता था, उसके अंदर फ़ोन यहाँ पर अटका के स्केच को यहाँ नीचे रख के बनाता था, काफ़ी दिक्कत आती थी इस स्टैंड में। इसको भी मैंने 1 साल यूज़ करा है। स्टार्ट करते हैं इस ब्रूस्टो पेंसिल से, जो मैंने 3-4 महीने पहले ही परचेज़ करी थी अमेज़ोन से। मैंने देखा कि ट्राई करते हैं इसको भी देख के कैसे बनते हैं इससे स्केच। तो मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करी है इस पेंसिल को, काफ़ी कम यूज़ करी है। अभी थोड़े बहुत ही स्केचेस बनाए हैं अभी इससे, तो अभी ट्राई करेंगे और अच्छे स्केचेस बनाने की इस पेंसिल से। इसके बाद इस बॉक्स के अंदर मैंने सारे पेंसिल कलर और पेंसिल स्केच और ब्रशेस रख रखे हैं। इसके अंदर मेरी बहुत पुरानी पेंसिल्स पड़ी हुई है, मकैनिक की पेंसिल, बाकी थोड़ा बहुत जो भी इसके पेंसिल वेंसिल है वो सारी इसके अंदर पड़ी रहती है। इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर मेरे शेडिंग ब्रश पड़े हुए रहते हैं, मेकअप ब्रश जो मैंने ऐसे ही ऑफलाइन परचेस करे दुकान से, और टेप वेप है मेरे पास। मेरे पास फिक्सिटी स्प्रे, स्केच कंप्लीट होने के बाद मैं ये स्प्रे करता हूँ। और ये मेरे पास एयरपॉड है, जिसको मैं स्केच बनाते वक्त गाने सुनने के लिए यूज़ करता हूँ। फिर मेरे पास ये ब्रूस्टो पेपर, ये भी मैंने 3-4 महीने पहले ही परचेस करे थे अमेज़ोन से ट्राई करने के लिए। एक बार देखते हैं ट्राई करके कैसे स्केचेस बनते हैं इसमें। तो सारे स्केचेस अभी जितने भी बना रखे हैं मैंने A4 साइज़ में इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो इसकी मैं वीडियो अलग बनाऊंगा सारे स्केचेसों की। तो ये अभी A4 साइज़ का स्केच पेपर है, ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर। अगर आप ये चाहिए तो मैं भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इस बॉक्स के अंदर पड़ा है मेरा सारा पेंसिल का कचरा, तो मैं इसमें रखता हूँ शॉपनर वॉपनर सब इसमें रखता हूँ। फिर बाकी तो इतना ही कुछ चाहिए, बाकी ब्लैक शीट है इसको मैं अच्छे बैकग्राउंड के लिए यूज़ करता हूँ। कि ये टेबल है मेरे पास सिंपल सी, ये भी मैंने कुछ 1 साल पहले ही बनवाई थी, इसका भी 1 साल हो गया है। बाकी ये रिंग लाइट है और ये मेरी टेबल है, वो पेपर है इसको मैं अभी यूज़ करता हूँ थोड़ा इसको मैं यूज़ करता हूँ छोटे मोटे स्केच बनाने के लिए। बाकी कुछ इतना सही स्टूडियो है मेरा, छोटा सा स्मॉल स्टूडियो, आर्ट स्टूडियो, कुछ इतना सा। अभी 3 स्केच इधर फ्रेम करवा के लगवा दिए। बाकी हनुमान जी वाली भी मैं
फ्रेम करा के लगवाने वाला हूँ इंडिया साइड। तो कुछ इतना ही है। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा आर्टिस्ट वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।